31 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वही दिन गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे पे फिल्माई गई मूवी व्हाई शुड आई किल गांधी ओटीपी रिलीज होनी जा रही है। इसका विरोध नागपुर शहर युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में किया गया। यह मूवी ओटीपी पे न रिलीज ऐसा निवेदन नागपुर के जिला अधिकारी को सौंपा गया। निवेदन भारत के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। इस मौके पर वसीम खान ने कहा कि नथुराम गोडसे हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी है और ऐसे आतंकवादी जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का खून किया गया, यह मूवी उसे हीरो बताया है और महात्मा गांधी का अपमान किया है। यह मूवी आम जनता में भ्रम फैलाने का काम कर सकती है, इसलिए इसे बैन किया जाए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष आशिफ दीक्षित, सचिव राजा चिलाटे समेत अन्य लोग उपस्थित थे। ये हमारा निवेदन जो हमने नागपुर कलेक्टर को सौंप दिया है, ये ज्ञापन में हमने लिखा है जो 30 जनवरी 2022 में एक पिक्चर रिलीज हो रही है ओटीटी में, व्हाई शुड आई किल गांधी, जिसका मतलब है कि मैंने महात्मा गांधी को क्यों मारा। ये पिक्चर नथुराम गोडसे पर निर्धारित है। वो नथुराम गोडसे जो भारत का पहला आतंकवादी है जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, ऐसे नथुराम गोडसे पे ये पिक्चर बनाई गई है और उसमें नथुराम गोडसे को कहीं ना कहीं हीरो बताया गया है और महात्मा गांधी को अपमान किया गया है। तो ऐसे पिक्चर के कारण आम जनता में भ्रम फैल सकता है और ऐसा हम महात्मा गांधी का अपमान सहन नहीं करेंगे और ये पिक्चर हरगिज रिलीज़ नहीं होना चाहिए। और कौन है इसके पीछे, जबकि 31 जनवरी को पुण्यतिथि, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का दिन है और उसमें ऐसी पिक्चर को रिलीज़ करना। और कुछ दिन पहले एक ढोंगी बाबा जिसका नाम कालीचरण है, वो भी नथुराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और महात्मा गांधी जी के अपमानजनक बातें कह रहा है। तो इनके पीछे कौन है इसका पता लगाए और हमारी नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि ये पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में कहीं रिलीज़ नहीं होना चाहिए।